मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग द्वारा दिव्यांगजनों की विशेष भर्ती अभियान के तहत होने वाले इंटरव्यू निरस्त होने से नाराज अभ्यर्थियों ने आज धरना प्रदर्शन किया। जल संसाधन विभाग द्वारा आमंत्रित आवेदनों में दिव्यांगजनों को इंटरव्यू के लिए 22 और 23 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन आचार संहिता के चलते इंटरव्यू निरस्त कर दिए गए, जिससे नाराज होकर दिव्यांग अभ्यर्थी जल संसाधन विभाग के सामने धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का आरोप है कि अगर इंटरव्यू निरस्त किए गए तो हमें इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन जिम्मेदारों ने ऐसा नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इंटरव्यू निरस्त होने की जानकारी अखबार के द्वारा दे दी गई। दिव्यांगजनों का इंटरव्यू निकाला था आज 21-22 का, और चुनाव की वजह से आचार संहिता लगने की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल नहीं किया, उसके बाद करेंगे। आचार संहिता के बाद कुछ सारे पेपर में हमने एड दिया, जहां जहां हमने नियुक्ति के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया था वहीं वहीं हमने पोस्टपोन के लिए दे दिया। लगभग 6,000 फार्म आए, 100 के करीब लोग आए हैं जिनको पता नहीं चल पाया, बाकी लोगों को पता पड़ गया, जिनने फोन से बात करी हमने फोन से बता दिया। अब ये लोग आ गए हैं तो ये लोग समझ नहीं रहे, तो हम कोशिश कर रहे हैं इनको बता दें। ये विकलांगों की भर्ती निकाली गई है आचार संहिता पहले, और आचार संहिता का बहाना बनाकर निरस्त कर दी गई। अब या तो इनके पास पूरा डाटा है, वे बोल रहे 5,000-6,000 विकलांगों का वो आया है, हम कैसे करें, सबके नंबर है, इनके पास फोन लगाना था, उसके बाद में अचानक निरस्त कर दी गई है। जब इनको पता था 8 दिन या 15 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है, तो फिर भर्ती क्यों निकाली? भर्ती निकाली तो फिर इनको फोन लगाना था कि विकलांग परेशान नहीं हो। आप सबको पता है कि विकलांग कैसे चलता है, कितनी मजबूरी से प्लेटफार्म पे आता है, ट्रेन में चढ़ता है, बस में चढ़ता है, ऑटो से, इतना सबका किराया माथा पच्ची, अब सवेरे से यहाँ के भूखे बैठे हैं। अब इनका समाधान ये बोल रहे हैं यहाँ पे निरस्त कर दी गई, जाओ अपने घर, और गाली गलौज कर रहे अधिकारी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।